अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स। हमारा लेसन नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है द्विचल सूरेख समीकरण युग्म। उर्दू में कहेंगे दो मुतगैर खती मसावात की जोड़। इससे पहले हम सीख रहे थे आदेश की रीत। तो आदेश की रीत में मैंने आपको सिखाया था कि मैं पहले ही बोल चुकी थी आपको कि मैं आपको अददों की मसावात के बारे में सिखा रही हूँ। आज हम जो सीखेंगे उदाहरण नंबर 8 है, जिसमें हमको कोई अदद दिए गए नहीं बल्कि हमको समीकरण बनाना है, यानी कि मसावात बनानी है। सिर्फ हमको क्या दिया गया है, सवाल। इस सवाल पर से हमको द्विचल सूरेख समीकरण यानी कि दो मुतगैर खती मसावात की जोड़ हमको खुद बनानी है। तो सबसे पहले हमको सवाल को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जब हमको मसावात बनाती आ जाएगी तो हम फटाफट यानी कि उसका फौरन हम हिसाब हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सवाल को समझना है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि आफ्ताब तेनी डिग्री ने कहे छे, यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 वर्ष पहला यानी कि 7 साल पहले मारी उम्र मेरी उम्र ते वक्त तारी उम्र करता 7 गुनी हती, यानी कि कितनी गुना है, 7 गुना। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र उस वक्त तेरी उम्र से कितनी गुना है, 7 गुना है। अब 3 साल के बाद यानी कि अब पछीना 3 वर्ष पछी मारी उम्र ते वक्त करता 3 गुनी हसे। तो बनने नी वर्तमान, वर्तमान यानी कि हाल नी, हाल की उम्र शोधो यानी कि हाल की उम्र तलाश कीजिए। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि समीकरण के अंदर यानी कि मसावात के सवाल में अगर सवाल में पहला आता है, पहला करता, पहला, और दूसरा है पछी, इसमें हमको ध्यान रखना है। तो जब भी हम मसावात बनाएंगे अगर जहाँ पर पहला आता हो सवाल में, पहला मारा करता तारी उम्र 7 वर्ष पहला यानी कि ऐसा पहला आवे, तो हम जब समीकरण बनाएंगे यानी कि मसावात बनाएंगे तो वहाँ हम माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस। लेकिन अगर सवाल में पछी आता है कि 7 वर्ष पछी 3 वर्ष पछी 6 वर्ष पछी, तो जब हम ये मसावात बनाएंगे तो उसमें हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस। अब हम सबसे पहले हमको ना आफ्ताब की उम्र दी है ना हमको बेटी की उम्र दी है, तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। यहाँ पर क्या फर्ज करेंगे, तो देखो मैं क्या करूँगी, फर्ज के फर्ज कीजिए के आफ्ताब की उम्र बराबर हमको कुछ दिया है यहाँ पर, तो मैं क्या फर्ज करूंगी, आफ्ताब की उम्र बराबर एस फर्ज कर लिया मैंने। चलो आप लोग भी कर सकते हैं, एस करो, एक्स करो, मुतगैर कोई भी ले सकते हैं। चल अब बेटी की उम्र बराबर मैं क्या फर्ज करूंगी, टी फर्ज कर लिया, हो गया। यानी कि आफ्ताब की उम्र हमको नहीं दी है ना हमको बेटी की उम्र दी है। अब हम सवाल देखेंगे, आफ्ताब तेनी डिग्री ने कहे छे, यानी कि आफ्ताब की उम्र बराबर एस लिया जो हमको पता नहीं है। बेटी की उम्र यानी कि बेटी को बोलता है, तो बेटी की उम्र हमको पता नहीं है, हमने क्या लिया, टी लिया। अब दूसरा सवाल बताती हूँ कि 7 वर्ष पहला, कितने वर्ष पहला, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले, तो मैंने पहले ही बताया था। देखो सवाल में ध्यान से देखो कि 7 साल पहले 7 गुनी है, यानी कि 7 साल पहले 7 गुना भी है। तो 7 साल पहले इसकी बेटी की उम्र पता नहीं है, तो क्या रखूंगी मैं, एस माइनस 7 है ना, इज इक्वल टू बेटी की उम्र रखेंगे हम 7 साल पहले बेटी की उम्र, खाली मैं यहाँ पर लिख देती बेटी बराबर टी माइनस 7, हो गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मसावात बनाएंगे। तो देखो जा भी 7 गण
सात गणी हो तीन गणी हो तो देखो मैं कैसे मसाला बात बनाऊंगी, इजी एकदम। तो एस माइनस सेवन ये हो गया आफ्ताब की उम्र इज इक्वल टू जहाँ भी हो दो गण हो पांच गण हो तीन गण हो वो हमेशा बीच में ही आएगा, यहाँ सॉरी कहाँ आएगा बीच में, दो काउंसों के बीच में, और यहाँ आएगा टी माइनस सेवन। अब इसको हम मियारी शक्ल देंगे, एस माइनस सेवन इज इक्वल टू सात को मैं टी से दूंगी तो सेवन टी माइनस साते साते क्या हो गया 49। चलो अब हम क्या करेंगे, एस के साथ में कोई सजातीय पद नहीं है यानी कि मुशाबे अरकान, तो एस का एस इज इक्वल टू हटेगा तो माइनस सेवन टी का सेवन टी इज इक्वल टू 49 में से सेवन को मैं माइनस करूंगी, देखो 49 इधर आएगा, सेवन माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 49 में से मैं सेवन को माइनस करूंगी तो कितने बचेंगे मेरे पास 42। ये मेरी बन गई मसावात नंबर ए, क्या बनी मेरे पास मसावात नंबर ए। अब मैं क्या बनाऊंगी मसावात नंबर दो, हमने क्या बनाया आफ्ताब तेरी डिग्री ने कहे छे सात वर्ष पहला मारी उम्र ते वक्त तारी उम्र करता सात गणी हती, ये हमारी मसावात नंबर एक बनी। अब उसके बाद क्या दे रहा है, अवे पछी ना तौर वर्ष पछी, देखो पछी आया तो पछी के लिए हम क्या रखेंगे, पहले मैंने बता दिया प्लस रखते, तो तौर वर्ष पे पछी यानी के तीन साल बाद तो हमने आफ्ताब के लिए क्या रखा है एस प्लस थ्री, राइट। बेटी की उम्र के बराबर कितना रखा है, यहाँ लिख देती मैं आफ्ताब और यहाँ पर लिख देती हूँ बेटी, तो क्या रखूंगी मैं यहाँ टी प्लस थ्री, देखो पहला था तो माइनस और बाद है तो पची है तो प्लस, कितनी गणे देखो तौन गण, कितनी गणे त्रण गण, तो ये दो यहाँ देखो सात गण था तो बीच में आया, अब ये दो काउंस उसके बीच में तीन बीच में आएगा, एस प्लस थ्री इज इक्वल टू तीन गण है तीन गुना है तीन प्लस तीन हो गया, एस का एस प्लस का प्लस थ्री का थ्री तीन को तीस आऊंगी तो थ्री टी प्लस तौन ताली नौ। चलो एस के सजातीय पद कोई नहीं है, माइनस थ्री टी का भी कोई नहीं है, इज इक्वल टू नौ में से तीन जाएंगे, नौ ये है प्लस तीन यहाँ प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हुआ, नौ में से तीन जाएंगे तो कितने बचेंगे छः। ये मेरी मसावात नंबर कितनी बन गई दो बनी। अब इस मसावात को हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे आदेश की रीत से, किसकी रीत से आदेश की रीत से। तो अब एक मसावात नंबर एक और मसावात नंबर दो, तो देखो कि दोनों में से कौन सी मसावात छोटी है उसको हमको फर्ज करना है, तो आप किसको फर्ज करेंगे, तो मेरे को तो ये छोटी लगती है तो मैं मसावात नंबर किसको फर्ज करूंगी, दो को फर्ज करूंगी मैं, दो को फर्ज करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो किसको फर्ज करेंगे मसावात एक या दो, चलो मैं एक फर्ज कर लेती हूँ, एक को हम फर्ज करेंगे तो क्या फर्ज करूंगी एस इज इक्वल टू, मैंने किसको फर्ज करी मसावात नंबर एक को, एस इज इक्वल टू 42 माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 70। चलो इसको डब्बे में रखने, याद रखने के लिए हम टाइम में रख लेते डब्बे में। अब मैं क्या करूंगी कि जब मैंने मसावात नंबर एक को फर्ज किया तो मैं इसको नहीं लूंगी, अगर मैं इसको लेती हूँ तो मेरा जवाब नहीं आएगा, तो मैं किसको फर्ज करूंगी मसावात नंबर दो, तो मैं यहाँ रखूंगी एस माइनस थ्री टी इज इक्वल टू सिक्स। अब जहाँ पर भी एस है वो एस की जगह पे मैं क्या कीमत रखूंगी 42 प्लस 70। चलो 42 प्लस 70 माइनस 3t इज इक्वल टू सिक्स। अब ये 70 में से 3t जाएंगे
कितने बचेंगे, 40 बचा, 6 इधर आएगा तो माइनस है, और 42 प्लस में है, उस साइड पर जाएगा तो माइनस हुआ, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। 42 में 6 मिला तो कितने हो गए, 42 से 43, 44, 45, 46, 47 से 48, कितने हो गए, 48 हुआ। तो T इज इक्वल टू 48/4, ये दोनों डिवाइड होते हैं, 4 × 4, 4 × 8, यानी कि T इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, 12 निकला। अब मैं क्या करूंगी के मसावत नंबर, अब मैं ये लूंगी तो भी मेरा जवाब आएगा, ये रखूंगी तो भी मेरा जवाब आएगा, और मैं मसावत 2 रखूंगी तो भी मेरा जवाब आने वाला ही है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या रखना है। चलो कौन सी मसावत, अब मैं मसावत ये रखूंगी तो भी मेरा जवाब आएगा, मसावत 2 रखूंगी तो भी आएगा, और मसावत 1 रखूंगी तो भी आएगा। मेरे को इजी ये लगता है, मैं मसावत नंबर 1 रखती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी के मसावत नंबर 1 में टी बराबर 12 रखने पर, क्या लिखूंगी मैं, 12 रखने पर मेरे पास क्या है, एस माइनस 3t इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास एस का एस, 3 का 3, टी इज इक्वल टू मेरा कितना निकला है, 12 इज इक्वल टू 6, तो एस माइनस 42 कितने हुए, 36 इज इक्वल टू 6। तो एस इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू हटता है हमेशा तो माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा। तो 36 में 6 मिलाऊंगी तो कितने होंगे, 43, 39, 40, 41, 42। यानी के क्या जवाब आया, S इज इक्वल टू कितना जवाब आया, 42, जबकि T इज इक्वल टू मेरा क्या निकला था, 12। यानी के आफ्ताब की उम्र कितनी निकली यहाँ पर, आफ्ताब की उम्र इज इक्वल टू 42, और बेटी की उम्र बराबर कितने निकले, 12। ये मेरा यहाँ पर मिसाल हल हुई, लेकिन ये है कि हमको सवाल को समझना है तो ही हमारा जवाब आएगा। चलो अब इसके बाद की हम मिसाल नंबर 9 देखेंगे कि 2 पेंसिल अने 3 रबरनी कीमत ₹9 छे, यानी कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत कितने रुपए है, 9 रुपए है। अब दूसरी है कि 4 पेंसिल अने 6 रबड़नी, यानी कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत कुल कितनी है, 18 है। तो 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत हमको तलाश करनी है। यहाँ पर 2 पेंसिल की कीमत दिए लिए और 3 रबड़ की दिए लिए, अब रबड़ कितने का है और पेंसिल कितने की है ये हमको पता नहीं है। तो हम क्या फर्ज करेंगे, सबसे पहले रखेंगे कि फर्ज कीजिए के, क्या लिखेंगे, फर्ज कीजिए के पेंसिल बराबर हम क्या फर्ज करेंगे, तो पेंसिल बराबर मैंने x फर्ज कर लिया, चलो, और रबड़ के बराबर मैंने क्या फर्ज कर लिया, y फर्ज कर लिया। अब देखो पेंसिल कितनी है मेरे पास, 2 है, तो मैं क्या मसावत बनाऊंगी, 2x। रबड़ कितनी है मेरे पास, 3 है, प्लस 3y इज इक्वल टू हम कितने रुपए दे रहे हैं, 9। ये मेरी बन गई मसावत नंबर 1। अब मसावत नंबर 2 बनाने के लिए कितनी अब पेंसिल है मेरे पास, 4x कितनी है, प्लस रबड़ कितना है मेरे पास, 6, तो प्लस 6y इज इक्वल टू हम कितनी रकम दे रहे हैं, 18। ये मेरी बन गई मसावत नंबर 2। अब हम क्या फर्ज करेंगे, कोई भी एक मसावत को हम फर्ज करेंगे, तो हम किसको फर्ज करेंगे, देखो तो फर्ज हम करते मसावत नंबर 1 को फर्ज कर लेते, चलो तो x, क्योंकि मसावत नंबर 1 छोटी है, तो x इज इक्वल टू क्या रखूंगी मैं, 9 − 3y/2। चलो इसको डब्बे में हमने रख लिया याद रखने के लिए, केस की कीमत हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसावत कौन सी लेंगे?
लेंगे, दो लेंगे, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। चलो 4 का 4, x बराबर की कीमत हमको दिए है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। चलो 4 नावे कितने हुए, 36 हुए, 4 तीये 12y प्लस इसको हम इससे भी देंगे और इसको इससे भी देंगे, तो 6 दूनी 12 और 18 दूनी कितने हो गए 12y और ये 36। अब देखो 12y कट गया प्लस माइनस और माइनस, तो हमारे जब 40 कट गए तो हमारे को क्या मिला 36 इज इक्वल टू 36। तो मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा ना, मेरे को x मिला ना मेरे को y मिला, जबकि हमको तो क्या तलाश करना है x और y, लेकिन y y तो दोनों कट गए तो मेरा हिसाब आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमको चाहिए मुतगैर की कीमत, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर तो मुतगैर क्या हो गए, कट गए, इसका मतलब दोनों माइनस हो गए, तो ये मसावात का हल। लामहदूद है, क्या लिख देंगे हम दोनों, क्योंकि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का जो हल होगा वो क्या होगा, लामहदूद होगा, क्योंकि दोनों जो निकले वो क्या निकले, समान यानी कि मसावी निकले, इसलिए ये मसावात का हल लामहदूद है। बस ये हमारा हिसाब यहाँ पर खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, क्योंकि हमारे को ना x मिला ना हमारे को y मिला, मेन हमको किसकी जरूरत थी, x मुतगैर मालूम करने की, जो हमारे ऑलरेडी माइनस हो चुके, इसलिए ये मसावात का हल लामहदूद है। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर 10, रेलवे ना बेपाटा, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और बीजे समीकरण छे 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा दर्शावेला छे, यानी कि हमको दो पटरी दे दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। रेलवे ना बे पाटा एक बीजा सु रेलवे ना पाटा, यानी कि रेलवे की पटरी क्या एक दूसरे को खता करती है, तो हमको दिया है, हम मसावात देखेंगे। पहली मसावात है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 4, ये हमारी पहली मसावात है ना, ये मसावात नंबर 1 इज इक्वल टू 0, मसावात नंबर 1। मसावात नंबर 2 है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये मेरी मसावात नंबर 2 है। अब हमको क्या करना है, ये मैं आपको सिखाती हूँ आदेश की रीत, तो आदेश की रीत में हम फर्स्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या देखना है, इसके सबसे छोटी मसावात कौन सी है, तो मसावात नंबर 1 मुझे छोटी लग रही है, तो मसावात नंबर 1 में चलो मैं x फर्स्ट कर लेती हूँ, तो x बराबर क्या करूँगी मैं 4 माइनस 2y, चलो इसको डब्बे में रख लिया मैंने याद रखने के लिए, प्लस था माइनस आया, याद रहे कि अगर यहाँ का अदर इधर आता है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, अगर वो माइनस में है तो माइनस में रहेगा, प्लस में होगा तो प्लस में रहेगा, लेकिन इधर का अदर अगर उस साइड पर जाता है तो प्लस होगा तो माइनस होगी और माइनस हो तो प्लस होगी, देखो यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया माइनस। अब मैं मसावात नंबर 2 में इसको फर्स करूंगी, 2x प्लस 4y माइनस 12 हो गया। चलो 2x 2 का 2, हमने x की कीमत यहाँ रखेंगे 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 का 4 माइनस 12 का 12, 4 में से 4 जाएंगे तो क्या हो गया 0 हो गया, वही इससे पहले की जो हमने मिसाल की वही पोजीशन यहाँ पर भी आ गई, मसावात का हल है नहीं है, यानी कि जो हमको
जुमला दिया गया है ये सही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो जुमला दिया गया है, जो जुमला दिया गया है वो सही नहीं है, यानी इसलिए रेल के दोनों पाटे एक दूसरे को खता नहीं करेंगे, यानी रेल की पटरी एक दूसरे को खता नहीं करेगी। ये हमारा आदेश की रीत यहाँ पर खत्म हुई। अब इसके बाद मैं आपको जो होमवर्क दूंगी वो आपको होमवर्क करना है, और वो होमवर्क हमारा है 3.3 के जितने भी हिसाब है वो आपको हल करने हैं। मैं आपको चेक करने बुलाऊंगी। अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे लोप की रीत, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे लोप की रीत जिसे कहते हैं इखराज का तरीका।